नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि डाइजेशन विद इन एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स कैसे होगी सो डाइजेशन ऑफ फूड मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस से होगा मैकेनिकल प्रोसेस कौन करेगा एलिमेंट्री कैनाल करेगी केमिकल कौन करेगा ग्लैंड्स करेंगे या जो सिक्रीशन होगी एलिमेंट्री केनाल से वो करेगा बकल कैविटी के अंदर दो काम होते हैं एक मेस्टिकेशन ऑफ फ़ूड मतलब फूड को डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे टीथ प्रोवाइड करते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फ़ूड किसकी हेल्प से होता था हमने पहले भी पढ़ा था इनेबल की हेल्प से फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग स्वेलोइंग ईजी हो जाए ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ कौन करेगा सलाइवा करेगा तो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं टंग होती है सिलाइवा होता है सलाइवा क्या काम करता है मेस्टिकेट कराने में और फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है। सिलाइवा के अंदर तीन चीज़ें होती हैं म्यूकस इलेक्ट्रोलाइट एंड इंजाइम। म्यूकस का क्या काम होता है म्यूकस ल्यूब्रिकेट प्लस एडायर मेस्टिकेटेड फूड इनटू टू अबोलस जो मतलब कि फूड जो मेस्टिकेट होने के बाद और ल्यूब्रिकेट होने के बाद जो एडायर हो जाता है मतलब स्टिक हो जाता है एक साथ उस खाने को हम बोलस बोलते हैं बोलस बोलस फिर फेरिंग्स के अंदर जाके फिर इसोफेगस के अंदर चला जाता है और फेरिंग से इसोफेगस के अंदर जब जाता है बाइस स्वेलोइंग उसको हम डिग्ल्यूटिशन भी बोलते हैं फर्दर डाउन इंसोफेगस थ्रू मस्कुलर कंट्रैक्शन ईसोफेगस से जब स्टमक के अंदर जाएगा तो मस्कुलर कंट्रैक्शन के है थ्रू जाएगा और उस मस्कुलर कंट्रैक्शन के प्रोसेस को हम पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इन्ज़ाइम्स दो होती है लाइजोजोम एंड सेलेवरी एमाइलेज एमाइलेज जहाँ भी नाम आ जाए मतलब कि स्टार्च की डाइजेशन होगी लाइजोजोम क्या करेगा एंटीबैक्टीरियल होता है ये इट इज़ एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन सिलेवरी एमाइलेज क्या करेगा इट परफॉर्म्स हाइड्रो हाइड्रोलिटिक एक्शन हाइड्रोलिटिक एक्शन क्या होता है कि ब्रेकेज ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होती है एम आइलेज थर्टी परसेंट जो स्टार्च होता है खाने का वो विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एम जो कि एक हाइड्रोलाइज फॉर्म में होती है माउथ uh, के अंदर माल्टेज के अंदर कन्वर्ट uh, हो जाता है माल्टेज होता है डायासेक्ट्राइड स्टार्च होता है पोलीसेकेराइड तो पोलीसे थर्टी परसेंट पोलीसेकेराइड को तोड़ के सिलेवरी एमाइलेज ने डासेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया और माउथ का पीएच होता है सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट एट क्यों होता है सिलेवरी एमाइलेज की वजह से होता है पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे हम हर जगह के पी एच को मेनली एन के अंदर तीन जगह का पी दिया हुआ है तो तीनों के तीनों हम लर्न कर लेंगे बकल कैविटी से जिस टाइम स्टमक के अंदर गया बकल कैविटी में सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो उसको हमने बोलस बोला स्टमक के अंदर गया तो वो मिक्स हुआ डाइजेस्टिव जूस के अंदर और बाय जर्निंग मूमेंट्स मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस बाय चर्निंग मोमेंट्स इसको हमने बोला काइम माउथ में था तो बोलस स्टमक में आ गया तो काइम अब म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक का म्यूकोजा होता है म्यूकोजा लेयर एलिमेंट्री कैनाल के, के हमने चार लेयर पड़ी थी उसकी जो चौथी लेयर थी म्यूकोजा उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक के अंदर स्टमक के अंदर खाना चार से पाँच घंटे तक स्टोर रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं साथ में फ्यू अमाउंट ऑफ बायकार्बोनेट होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स होती है बायकार्बोनेट्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड का काम क्या होता है ये लुब्रिकेट करते हैं और स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एच ठीक है HCL, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास तीन टाइप के सेल होते हैं ये तीनों टाइप के सेल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं म्यूकस नेक सेल होते हैं या म्यूकस इक्रिएट करते हैं दिस इज ईजी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है पैप्टिक और शेफ सेल ये रिलीज़ करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इसको लॉन करने का क्या ट्रिक है या तो पेप्टिक बोल देंगे या शेफ सेल बोल देंगे पूछ लेंगे क्या रिलीज करते हैं माई पापा चीफ ऑफ पेप्सी चीफ पेप पेप्सी पेप्सिनोजन पेप्सी ठीक है पराइटल और ऑक्जेंटिक सेल पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं ये रिलीज करते हैं एसियल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर इंट्रेसिक फैक्टर का काम क्या होता है ये बी ट्वेल्व के एब्जॉर्बन के अंदर हेल्पफुल होता है अब इसको लर्न करने की क्या ट्रिक है ऑक्सीपरी सिक्रीट एक्सी ये तो निमोनिक हो गया बट अगर इसको हम वैसे भी देखें ओक्सी हमेशा एसिड के लिए यूज़ किया जाता है तो एचसीएल एसिड है तो ओक्जेंटिक सेल क्या रिलीज़ करेंगे एचसीएल रिलीज करेंगे इसके बाद जो ये एंजाइम पेप्सिनोजन होती है ये एक प्रो होती है मतलब कि इनएक्टिव स्टेज में होती है अगर ये एक्टिव स्टेज में होगी तो अगर हमारा स्टमक खाली है तो ये स्टमक की लेयर को ही डिज़ोल्व कर देगी तो बेसिकली क्या होता है प्रो होती है पेप्सिनोजन। इसके ऊपर एच सी एल एक्ट करेगा एच सी एल की वजह से स्टमक का पी एच कितना हो जाता है वन पॉइंट एट जो ऑप्टिमल होता है पेप्सिन को काम कराने के लिए एच सी एल एक्ट करेगा पेप्सिनोजन पे जिससे ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन एक्टिव होता है इट इज़ प्रोटोलिटिक इंजाइम ऑफ स्टमक प्रोटोलिटिक इंजाइम कौन सी होती है जो प्रोटीन को तोड़ती है प्रोटीन के ऊपर जिस टाइम पेप्सिन एक्ट करेगा तो वो प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स के अंदर चेंज हो जाएगा प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स पेप्टाइड्स होते हैं नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टमक के अंदर रेनिन भी होता है ये एक प्रोटोलिटिक इंजाइम होती है मतलब फिर से वही प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम होती है इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलती है और रेनिन के अंदर डबल एन है एक रेनिन आएगा आर ई एन आई एन जिसको हम किडनी के विद रिस्पेक्ट देखेंगे विच हेल्प इन डाइजेस्टिव डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो प्रोटोलिटिक इन्जाइम होती है रैनिन उसका काम होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन वेरियस मूवमेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्क्यूलैरिस लेयर के अंदर मस्क्युलरिस लेयर कौन सी थी जो सेकेंड लेयर थी एलिमेंट्री कैनाल की उसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स हो गए इन मूवमेंट्स से क्या होगा हेल्प इन मिक्सिंग एंड डाइजेशन अब स्टमक का देख लिया हमने माउथ का देख लिया अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्मॉल टाइन की जो सिक्रीशन होती है इंटस्टाइन सॉरी की जो सिक्रीशन होती है वो तीन टाइप की होती है और ये सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से आता है सेवेंटी परसेंट बाइल जूस पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटस्टिनल जूस तीन टाइप की सिक्रीशन आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास और जो बाइल जूस है और पेनक्रिएटिक जूस है बाइल जूस तो लीवर से आया गोल्ड ब्लेडर से आया पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिया से आया जो इंटेस्टिनल जूस है वो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर थी उसने सिक्रिएट किया और उस सिक्रिएशन को बोलते हैं सक्कस इंटारिकस तो पहले बात करते हैं बाइल जूस के बारे में बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फ़ैट के अंदर काम आता है मतलब फैट एब्जॉर्बशन कराने में काम आता है एंड एक्टिवेट लाइपेज लाइपेज किस चीज़ में काम होता है ये भी फैट की ये फैट की डाइजेशन में काम आता है और इमल्सिफ़िकेशन ऑफ फैट के अंदर काम आएगा बाइल जूस बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है बाइल जूस के अंदर पहली बात तो कोई इंजाइम नहीं होती है बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कि बाइल जूस के अंदर इंजाइम कौन सी होती है या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि किस सिक्रीशन के अंदर कोई इंजाइम नहीं होती तो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इनके पास बाइल पिगमेंट दो कौन कौन से हैं बिली रूबिन एंड अं बिलीवरडिन बाइल सोल्ट होते हैं कोलेस्ट्रोल होते हैं और फोस्फोल होते हैं ठीक है चार चीज़ें होती हैं पेनक्रिएटिक जूस के पास इंजाइम्स तो होती हैं पर वो इनएक्टिव होती हैं बाइल जूस के पास तो इन्जाइम्स ही नहीं है पेनक्रिएटिक जूस के पास इंजाइम्स हैं बट वो इनएक्टिव है कौन कौन सी इंजाइम है ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार बॉक्सीपेप्टाइडिस तीनों प्रोटीन डाइजेशन में काम आएगी एमाइलिस स्टार डाइजेशन में लाइपिस फैट डाइजेशन में न्यूक्लियसिस एसिड डाइजेशन में क्या होगा कि ट्रिप्सिनो जन वो इनएक्टिव है उसके ऊपर आके एक्ट करेगा इंटेरोकाइनेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोजा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है वो रिलीज़ करेगा इंटेरोकाइनिस जो आके एक्ट करेगा इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन पे वो इसको एक्टिव करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन जाके कामो ट्रिप्सिनोजन पर एक्ट करेगा फिर ये काइमो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिनोजन बन जाएगा फिर प्रोटीन डाइजेशन होगी कहीं जाके इंटेस्टिनल जूस के बारे में बात कर लेते हैं इसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस सिंटेरिकस क्या होता है ये रिलीज होता है फ्रॉम गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपथीलियम म्यूकोजा से ही रिलीज होगा जो फोर्थ लेयर है मोस्टली हर जगह जो भी सिक्रीशन होगी वो म्यूकोजल लेयर से होगी बस सिर्फ ड्यूडनम के अंदर सब म्यूकोजल लेयर से बर्नर बर्नर ग्लैंड की सिक्रीशन होगी ये फ्रॉम गोबलेट सेल ऑफ इंटस्टिनल म्यूकोजम म्यूकोजल एपिथिलियम प्लस सिक्रीशन ऑफ ब्रश ब्रश बोर्डर सेल प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ठीक है इंटस्टिनल जूस के अंदर कौन कौन सी इंजाइम सेक्राइडेज है? है जो जिसको माल्टेज बोलते हैं जो माल्टेज जो माउथ में बना था उसको ये ब्रेक कर देगा या फिर जो यहाँ पे माइलेज इसको ब्रेक करके माल्टेज बना देगी जो सेवेंटी परसेंट बच गया था उस माल्टेज को ये तोड़ के आगे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा डाईपेप्टज मतलब दो पेप्टाइड है उनको तोड़ देगा ये लाइपेज फैट मोलिक्यूल्स की डाइजेशन न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन म्यूकोजा प्लस बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं इंटेस्टिनल जूस के अंदर ये रिलीज़ होते हैं फ्रॉम पेनक्रिया जो म्यूकोजा और बाइकार्बोनेट्स है ये पेनक्रिया से भी आएंगे और इंटेस्टिनल जूस से भी आएंगे